पंजाब के युवा मेरे मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम मेरे साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि आप उस दौर में आए हैं जब आपके पास अपनी बात कहने की ताकत है, फ्री में है, बहुत पैसा नहीं है, ना के बराबर पैसा लगता है। अपने मन के अंदर जो छुपा रखा है सालों से, जो घुटन है अपने अंदर के मन की, जिसे कोई सुनता नहीं था, जिसे कोई छापता नहीं था, जिसे कोई दिखाता नहीं था, क्योंकि इस देश का मीडिया, इस देश का कम्युनिकेशन भी एक तरफा नैरेटिव क्रिएट करता था। इसलिए आपके मन में राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करने की जो तमन्ना थी, जो उत्साह था, आज आपके हाथ में वो ताकत है। अपनी मर्जी से फील्ड चुनिए। कैरियर तो हमने हजारों साल से लोगों के देखे हैं, बड़े बड़े कैरियर बनाने वाले लोग हैं, वो कैरियर बना के चले जाते हैं, लेकिन जो सच में इस देश का कैरियर को ढो रहे हैं, देश उन्हीं से चल रहा है। कैरियर की चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोग कैरियर बना के वापस लौट आए हैं। कर्नल आरएसएन सिंह जैसा आदमी, जो फौज में कर्नल था और रॉ के अंदर थे, संपन्न परिवार के हैं, उनको कुछ नहीं करना है, हजारों लाखों फौजियों की तरीके से वो भी एक थे, निजी तौर पे अपना जीवन एक साधारण आदमी की तरह जीते हैं, लेकिन आज इस देश के सामने आने वाली चुनौतियों को, इस देश की सीमाओं को, जिन लोगों से खतरा है, उसके बारे में जो उनकी महारत है, जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत कम लोगों की है। ये जो नकली लोग टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, अरमा वर्मा टाइप के, ये जो चोपड़ा टाइप के लोग बैठ जाते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये इनका धंधा है टेलीविजन पे आकर के बैठना, और 2-4 हजार रुपए मिलते हैं वो ले जाते हैं। आज बड़े बड़े कैरियर छोड़ करके लोग नीचे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसे आज से चंद साल पहले मूर्खों जैसा काम कहा जाता था। कहां आप ये बेकार राष्ट्रवाद की बात में पड़े हुए हैं, कहां देश के उत्थान की बात में पड़े हुए हैं, कहां आप सनातन की बात कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, मजे कीजिए। आज आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी कार, आपका मकान और ये पैसा आपको जिंदा नहीं रख पा रहा, ये पैसा आपकी जान को नहीं बचा पा रहा। इसलिए कोई कैरियर चुने, लेकिन कैरियर का माध्यम सिर्फ इतना ही चुने।